हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका शर्मा और अब हमारा क्विक रिवीजन का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम शॉर्ट ही रखेंगे अपनी वीडियो को और जल्दी से सीख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी में थ्री अप्रोचेस हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। सबसे पहली अप्रोच है क्लासिकल थ्योरी, दूसरी है स्टेटिस्टिकल अप्रोच और तीसरी है एक्सियोमेटिक अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच जो है वो आप पुरानी ये एक पुरानी अप्रोच है और यही आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। कुछ भी हमें निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी टोटल आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल केसेस हो गए 2। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा 1/2। उसके बाद आती है हमारी स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हम क्या करते हैं, डाटा को ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन करते हैं, टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके अंदर हम सारी ऑब्जर्वेशन को नोट करते हैं, फिर जो ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रिजल्ट निकालना होता है हम देखते हैं वो कितने टाइम्स अपियर हुई, उसके बेसिस पे उसको टोटल के साथ डिवाइड करके अपना डाटा निकालते हैं। जैसे कि अगर हम एक डाई की एग्जांपल लेते हैं, हमें निकालना है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम उसी एक्सपेरिमेंट को अबाउट 20 टाइम्स रिपीट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि 4 कितने टाइम्स आया जब हमने 20 टाइम्स उस डाई को थ्रो किया। तो 4 की कितने टाइम्स आया अपॉन टोटल हमने कितने टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को किया, वो उस तरह से जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। पर ये दोनों अप्रोचेस जो थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बुराइयां थी, जिसकी वजह से इनको अब हम नहीं यूज करेंगे। जो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अप्रोच, वो है एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है वो इसलिए एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो ये थी कि एक तो अगर हम केसेस जो लेते हैं, अगर तो हम थोड़े से केसेस के लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ केसेस के लिए ये सब करते हैं तब तो बात ठीक है, अगर इनफाइनाइट केसेस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ये दोनों अप्रोचेस फेल हो जाती हैं वहां पे। और दूसरा, ये जो अप्रोचेस हैं ये इक्वली लाइकली केसेस के लिए ही वैलिड होती हैं, बाकियों के लिए नहीं वैलिड होती हैं। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने के भी उतने ही चांसेस होते हैं जितने की टेल आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं तो वो इक्वल लाइकली केसेस जो होते हैं उनके लिए ये हमारी प्रोबेबिलिटी की जो अप्रोचेस हैं ये हम यूज करते थे। पर जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है ये इन लिमिटेशंस को हटा देती है और इसकी 3 एक्सियोम्स हैं। सबसे पहले एक्सियोम्स होता क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच का नाम एक्सियोमेटिक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक्सियोम्स को फॉलो करता है। एक्सियोम्स कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो विदाउट प्रूफ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच की 3 कंडीशंस है। सबसे पहले PWI, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ WI आउटकम्स को बोला गया है। आउटकम क्या होते हैं, हमारे रिजल्ट्स। जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम वर्ड से हम समझते हैं कि जिसका हमें रिजल्ट पता नहीं होता है, रैंडमली कुछ भी उसकी आउटकम आ सकती है, कुछ भी उसका रिजल्ट आ सकता है। तो हम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 तो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी पर 1 से छोटी रहनी चाहिए। सेकंड है कि जो हमारी नंबर ऑफ आउटकम्स है, बहुत सारे अगर हम आउटकम्स देख रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, तो उन सब का जब हम सम करते हैं तो वो मैक्सिमम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो उसके बहुत सारे आउटकम्स के सम के इक्वल आती है, ये होता है समेशन, सम का साइन होता है ये। अब हम जो टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ उसको भी एक बार जान लेते हैं। सैंपल स्पेस ये जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, ये सेट्स थ्योरी के साथ काफी रिलेटेड है। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हम सेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होता है इसमें हम लिखते हैं वो सारी पॉसिबल आउटकम्स जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे आ सकती हैं। जैसे कि अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो होती है वो पॉसिबिलिटी ही होती है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स उसकी हेड या टेल हो सकती है। अगर हमने एक डाई थ्रो किया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स तक आ सकते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। उसके बाद टर्म आती है इवेंट। इवेंट जो होता है वो एक कंडीशन की तरह होता है जो हम लगा देते हैं किसी आउटकम के ऊपर। जैसे कि अगर मैंने इवेंट डिफाइन किया
कि नंबर अपियर्स ऑन डाई इज इवन, मतलब जो मेरा डाइस के ऊपर नंबर अपियर करेगा वो इवन ही होना चाहिए। तो मेरे पास सेट में क्या आ जाएगा, नंबर्स 2, 4, 6, जो इवन नंबर्स है सिर्फ वही आएंगे। अब आती है बात अकरेंस ऑफ इवेंट की। अगर मैंने इवेंट तो डिफाइन कर दिया, एक कंडीशन तो डिफाइन कर दी, पर क्या वो होती है या नहीं? जब मैंने डाई थ्रो किया, अगर तो मेरा इवन नंबर ही आ जाता है, मेरा इवेंट क्या है कि डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए, अगर तो इवन नंबर आ जाता है तब तो ठीक है, तो मेरा जो इवेंट है वो अकर कर गया। बट अगर नहीं आता है तो इसका मतलब मेरा इवेंट नॉट अकर्ड, और नॉट अकर्ड के लिए हम फॉर्मूला उसको ई डैश के साथ डिनोट करते हैं, डैश के साथ डिनोट करते हैं, और वो किसके इक्वल हो जाता है, सैंपल स्पेस माइनस ई। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर इवेंट में ये वाले आउटकम्स हैं और सैंपल स्पेस में 1 to 6 तक सारे एलिमेंट्स होंगे, तो ई डैश में मेरे पास आ जाएंगे 1, 3 और 5, जो कि अगर मैं सैंपल स्पेस में से ई को माइनस कर दूं तो यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है, अब हम इसको समझते हैं। आउटकम्स हम समझ गए हैं, इवेंट हम समझ गए हैं, अब हम इसको समझते हैं कि अगर हमने एक डाई रोल किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये रहेगा, और उसके लिए हमने बोला कि जो हमारी आउटकम्स हैं वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमें निकालना फर्स्ट आउटकम की, तो 1/6 हो जाएगी, सेकंड आउटकम के लिए 1/6 हो जाएगी, ऐसे 2, 3, 4, 5 सब 6 तक सब के लिए 1/6 हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये जो 1/6 है ये 0 से तो बड़ा है पर 1 से क्या है, छोटा। तो हमारी फर्स्ट एक्सियम जो है वो फुलफिल हो रही है। सेकेंड बात कि अगर हम इन सभी आउटकम्स का सम करें, सभी आउटकम्स का सम करें तो वो इक्वल टू 1 आएगा। 1/6 + 1/6 + 1/6, 6 × 1/6 हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कोई इवेंट डिफाइन करते हैं, अब जो हमारे यहाँ पे इवेंट है वो पूरा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस जो है वो सारी आउटकम्स का क्या है, सम है, सारी आउटकम्स का सम है। तो ये थी एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम आगे देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, कोई कंडीशन हम लगा देते हैं उसको हम इवेंट बोल देते हैं। अब हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स को समझ लेते हैं। ये काफी रिलेटेड है सेट थ्योरी से, सेट थ्योरी के जैसे ही है, जैसे कि हमारे पास बात की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। तो अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो सैंपल स्पेस हम एक तरह से यूनिवर्सल सेट की तरह लेते हैं, क्योंकि उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो उस आउटकम के लिए हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसको लिखते हैं। तो अगर ए कोई इवेंट है तो ए को छोड़ के जो सब बच जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, ए को छोड़ के, तो ए इवेंट को छोड़ के बाकी जो सैंपल स्पेस की स्पेस है ये वाली, इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेंट ए और बी, ये तो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि जब और आ जाता है तो हम लगाते हैं यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी में भी आपने यही करना है कि जब आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ और इवेंट्स पूछ लिया जाए, दो इवेंट्स के बीच में और लगा के प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है, तो आप यूनियन करोगे। यूनियन में क्या होता है, अगर ये एक सेट है ये बी सेट है, मतलब इवेंट है, तो दोनों का यूनियन मतलब सारा एरिया, ए का भी और बी का भी सारा एरिया आप उसमें लिख दोगे। अब नेक्स्ट है इवेंट ए एंड बी, जहां पे एंड आ जाता है वहां पे हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो अगर ए और बी दो अलग अलग सेट्स हैं तो उसका जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है वो हमारा क्या होगा, इवेंट हो जाएगा, जो अकर कर रहा होगा उस टाइम पे, ए और बी का कॉमन पार्ट। उसके बाद है इवेंट ए नॉट बी, इवेंट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो, अगर हम यहाँ पे देखते थे तो अगर ए और बी में ये पूरा ए का भी और साथ में ये जो कॉमन वाला एरिया है, इसमें सिर्फ हम ये कॉमन वाला एरिया ले रहे हैं और यहाँ पे हम पूरा ए और बी ले रहे हैं, बट अगर हमें कॉमन वाला एरिया भी ना लेना हो क्योंकि वो बी के साथ कुछ कॉमन दिखा रहा है, हमने यहाँ पे बोला हमें सिर्फ ए का वो पार्ट चाहिए जिसमें बी ना हो, तो ये कॉमन एरिया को छोड़ के ए का जो एरिया बच जाएगा वो बच जाएगा इवेंट ए नॉट बी। इसको हम एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। मतलब अगर ए यहाँ पे एक इवेंट है, बी यहाँ पे कोई इवेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इनके बीच में ना यूनियन का रिलेशन है ना इंटरसेक्शन का, मतलब इंटरसेक्शन इनकी 5 आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वो इवेंट्स जो कलेक्टिवली हमें सैंपल स्पेस ही आंसर दे देते हैं वो हमारे पास होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इससे हमें ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे इवेंट में जरूर अक्कर हो रहा है, जो हमारी पॉसिबिलिटीज है उसमें से। तो अगर यहाँ पे हम 3 इवेंट्स, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं रोलिंग अ डाई की। जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो रहती है वो होती है रोलिंग अ डाई की, या फिर टॉसिंग अ कॉइन की, या फिर हम कार्ड्स वाले एग्जांपल यूज करते हैं।
तो ये फेमस एग्जाम्पल्स है जिनको हम बार बार यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। तो यहाँ पे भी हम रोलिंग अ डाई की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉसिबिलिटीज है। इवेंट हमने 3 डिफाइन कर लिए। पहला इवेंट हमने डिफाइन किया कि जो नंबर आना चाहिए डाई के ऊपर वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने उसका रोस्टर फॉर्म बना लिया, वो क्या हो गया 3, 4, 5, 6। 2 से बड़ा तो 3, 4, 5, 6 ही बचेगा। E2 हमने ले लिया इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे पास 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद हमने ले लिया E3, नंबर लेस देन और इक्वल टू 2। हमारा जो नंबर है वो 2 के इक्वल भी आ सकता है, 1 के इक्वल भी आ सकता है। ये 3 इवेंट्स हमने डिफाइन कर दिए। अब हमने निकालना है सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसका निकालने को बोला, इवन का। इवन में हमारे पास क्या था, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे बता के हटी हूँ, ए को छोड़कर जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 सैंपल स्पेस में से 3, 4, 5, 6 को छोड़ के क्या बच रहा है, 1, 2। तो ई के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 1 और 2। ए को छोड़ के बाकी सारा जो बच गया, ए को छोड़ के क्या बच रहा था, 1, 2, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बात करें इवेंट ए और बी। यहाँ पे हम बात करें इवेंट ई1 और ई2 की। तो इसमें भी जो एलिमेंट्स है और इसमें भी जो एलिमेंट्स है दोनों आ जाएंगे, ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में, 2, 3, 4, 5, 6 यही है दोनों में, तो वो सारे आ गए। अब हमने बात कर दी इवेंट ई1 और एड इवेंट ई2 एंड की बात कर दी, तो दोनों में जो कॉमन होगा, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 2, 4, 6, 4 और 6 दोनों में कॉमन है, तो ई1 इंटरसेक्शन ई2 में क्या आ गया, 4 और 6। उसके बाद E1 माइनस E2, इवेंट ए नॉट बी, मतलब इवेंट E1 नॉट E2, मतलब हमने वो वाली वैल्यूज लेनी है जो E1 में तो है पर E2 में नहीं है। अब E1 में है 3, 4, 5, 6, E2 में है 2, 4, 6। अब कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो बी E2 में नहीं है, मतलब तो वो क्या कौन बच गया, 3 और 5, क्योंकि 4 और 6 तो वहां पे भी रिपीट हो रही है, हमने तो कॉमन वाला एरिया लेना ही नहीं है, कौन बच गया, 3 और 5। ये चीज दोबारा से समझ लो कि ई1 के वो एलिमेंट्स जो ई2 में नहीं है वो लिखने हैं। अब ई1 के वो एलिमेंट्स जो ई2 में नहीं है वो कौन कौन है, 3 और 5, 3 और 5। अब अगर हम बात करें ई1 और ई3 इवेंट की, तो यहाँ पे है 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे है 1, 2, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, 5। तो ये क्या बन जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जब हमने E1, E2, E3 तीनों का क्या कर दिया, यूनियन, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पे 2, 4, 6 है, यहाँ पे 1, 2 है, तीनों की यूनियन कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस। तो ये एग्जाम्पल होगी हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की नीड आप इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला तो आपने सेट्स में भी पढ़ा है, वही ये प्रोबेबिलिटी में एज इट इज यूज होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, तो आप फॉर्मूला को शॉर्ट कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो पहले ही 5 हो जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद अगर हमेशा ही जो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल आता है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट, तो आप क्या करोगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट माइनस कर दोगे। ये बात आप याद रखोगे कि अकरेंस ऑफ इवेंट और नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप नॉट अकरेंस निकाल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट से। उसके बाद है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि ए और बी कोई दो इवेंट्स है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओनली इवेंट ए अक्कर हो रहा है या ओनली इवेंट बी अक्कर हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर बी पूछा होगा इवेंट बी ओनली हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ वन ऑफ ए एंड बी, ए के ए एंड बी भी लिख दिया और ये भी बोल दिया कि दोनों में से वन ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट कर रहा हो या अक्कर हो रहा हो, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में 2 टाइम्स कर दोगे। या फिर इसका अनदर वे है कि आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्वेश्चन आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।